ये देखिए फ्रेंड्स, ये कार्डबोर्ड के पेपर है जो हमें इसमें इसमें सारा कार्बन रहता है, नाइट्रोजन, पोटाशियम। ये देखिए सूखे लीफ है, इसमें सारे सूखे लीफ में कार्बन बहुत रहता है। ये किचन वेस्ट है जो हमें किचन से मिलता है और प्लांट्स के लीफ भी रहते हैं। ये सारों को हम कैसे बनाते हैं आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये कोकोपीट है, क्योंकि अर्थवर्म को थोड़ी सी ठंडक चाहिए, इसलिए हम इसे कोकोपीट में डालकर अर्थवर्म ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु फ्रेंड्स, वेलकम टू अजान गुलमर गार्डनिंग। आज का वीडियो वर्मी कंपोस्ट बनाने का है, जो अर्थवर्म से बनता है, जो वर्मी वाश भी हम लेकर प्लांट्स को डालते हैं। ये कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये कार्डबोर्ड के पेपर है जो हमें इसमें इसमें सारा कार्बन रहता है, नाइट्रोजन, पोटाशियम। ये देखिए सूखे लीफ है, इसमें सारे सूखे लीफ में कार्बन बहुत रहता है। ये किचन वेस्ट है जो हमें किचन से मिलता है और प्लांट्स के लीफ भी रहते हैं। इस सारों को हम कैसे बनाते हैं आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये कोकोपीट है, क्योंकि अर्थवर्म को थोड़ी सी ठंडक चाहिए, इसलिए हम इसे कोकोपीट में डालकर अर्थवर्म ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स, ये बकेट को मैंने होल नहीं किया है, आपको दिख रहा होगा। ये दूसरी बकेट है, इसको मैंने होल किया है, क्योंकि इसमें हम ये बीच में एक खाली बकेट रखेंगे, इसके ऊपर हम कंपोस्ट डालते रहेंगे। यहाँ से कंपोस्ट पहुँचकर बीच में बकेट में जाता है और अर्थवर्म वहीं पर रहते हैं, और नीचे वर्मी वाश जो इसका लिक्विड निकलता है, यही हमें बहुत प्लांट को अच्छे से काम आते हैं। प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, अर्थवर्म डबल से डबल होते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम नीचे की बकेट को खाली रखा है और ये दूसरी बकेट को इसमें काफ़ी सारे होल किए हैं, क्योंकि अर्थवर्म को हवा की ज़रूरत रहती है और कंपोस्ट जल्दी बनता है। हमें एक महीने में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। मैं बनाकर रखी, उसे आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोकोपीट है, इसको हम नीचे ऐसे डालेंगे, क्योंकि अर्थवर्म नीचे जाकर बैठते हैं, वो खाते सारा खाना खाते हैं जो इनको मिलता है, फिर उनको ठंडक की चाहिए, नीचे जाकर बैठते हैं, इसलिए हम नीचे थोड़ा सा कोकोपीट डालेंगे, क्योंकि कोकोपीट ठंडी रहती है। बाद हम इसमें सूखे लीव्स डालेंगे, जो हमें गार्डन से सूखे पत्ते लीफ निकलते हैं, और ऑनियन के लीफ, बनाना के लीफ, हर लीफ है वो डालेंगे हम इसमें। नीम के पत्ते भी है, ये इसको डालेंगे। इसके बाद हम किचन वेस्ट डालेंगे, ये किचन वेस्ट है, हम इसको डालेंगे। ऐसे डालने से लेयर, हमने किचन वेस्ट भी डाल दिया है। इसमें हम जो कार्डबोर्ड के पेपर्स रहते हैं, ये डालेंगे, क्योंकि हमें कंपोस्ट बनाने के लिए कच्चे और सूखे लीव्स रहने दो, या इससे जो बालकनी में कम जगह रहती है वो लोग को स्मेल नहीं आती ये कंपोस्ट बनाने से। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हम इसमें किचन वेस्ट सेकेंड बार डाले हैं, इसमें चाय की पत्ती वगैरह भी है, अर्थवर्म को बहुत शौक से खाते हैं वो, और कंपोस्ट अच्छे से बनता है। ये देखिए, फिर एक लेयर हम
सूखे पत्तों की डालेंगे, जो नीम के पत्ते हैं। और ये कार्बन बहुत मिलता है इसमें, सारे न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, पोटाशियम, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, सारे इस कंपोस्ट में रहते हैं। हमारे झाड़ों की ग्रोथ इतनी अच्छी रहती है। ये वर्मी कंपोस्ट जो अर्थवर्म बनाते हैं बहुत ही बहुत अच्छा रहता है। ये एक महीने के अंदर तैयार हो जाता है। प्लांट के लीफ लेकर और मेरे गार्डन में जितने भी फ्लावर्स रहते हैं उन फ्लावर्स को भी मैंने इसमें डाल रही हूँ। और इस जो सूखे लीव्स मैंने बनाकर रखे थे वो भी इसमें डाल रही हूँ। इसमें कोकोपीट फिर से थोड़ी ऐसे डालेंगे। कोकोपीट डालने से हमें स्मेल भी नहीं आती और हमारा कंपोस्ट अच्छा बनता है। अब आपको मैं अर्थवर्म बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये बकेट को सारा फिल कर दिया है। अब इसको मैं नीचे एक बकेट रखूंगी बीच में। इसमें मैं वर्मी वाश, जो हमारे फ्रूट्स के जो भी छिलके निकलते हैं उसको, मैंने छिलकों को बॉईल कर कर इसमें डाला है। हम ये क्यों डाल रहे हैं लोग, तो कंपोस्ट जल्दी जल्द से जल्द बनता है। और ये देखिए, ये कर्ड है। कर्ड को मैंने गुड़ मिलाकर रखा है। ये भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे। इसमें माइक्रोब्स काफ़ी डबल हो जाते हैं और अर्थवर्म भी, हम इसमें अर्थवर्म डालने से वो भी डबल हो जाते हैं। आपको मैं अब अर्थवर्म बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अर्थवर्म है। हम इसको अब इस बकेट में डालेंगे। ये पूरे सारे नीचे जाकर बैठ जाते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होकर वो कंपोस्ट बनाते हैं। हमें वर्मी कंपोस्ट मिलता है हमारे प्लांट के लिए। हमारे प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी रहती है वर्मी कंपोस्ट डालने से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये खाली बकेट है, इसमें होल नहीं है। और ये इसमें होल कर कर रखी हूँ मैं। ऊपर की बकेट में कंपोस्ट डाला है मैंने। किचन का वेस्ट, जो भी लीफ निकलते हैं, जो भी कोकोपीट वगैरह, ये सब ऊपर की बकेट में डाला है। अब इसको मैं अच्छे से ढक दूँगी। ये अब एक महीने तक कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब ये नीचे जाता है, नीचे कंपोस्ट बनकर नीचे गिरते रहता है और अर्थवर्म भी नीचे चले जाते हैं। इसके बाद ये कम होते जाता है, हम फिर इसमें किचन वेस्ट डालते जाएंगे। ऐसे ही 3 मंथ तक हमें कंपोस्ट मिलते रहता है। ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप लोग भी बनाकर देखिए, हमेशा काम आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो पहले बनाई सो वर्मी कंपोस्ट, ये देखिए इसमें कितने सारे अर्थवर्म हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये नीचे चले जा रहे हैं काफ़ी सारे, मैंने नीचे से निकाला था। ये देखिए कितना अच्छा मेरा कंपोस्ट बना है, इतना हल्का। और इसमें ये देखिए अर्थवर्म, ऐसे ही आप लोग भी कंपोस्ट बनाइए, वर्मी कंपोस्ट, जो अर्थवर्म ज़्यादा रहते हैं। हमें अर्थवर्म रहने से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। और ये अर्थवर्म, आज का कंपोस्ट जो बनाई आपको दिखा रही हूँ, इसमें डबल हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। हमें अर्थवर्म सेव कर कर रख कर ऐसे ही कंपोस्ट में डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमारे प्लांट्स के प्लांटरों में डालना चाहिए, तो वो हमारी मिट्टी को लूज़ करते हैं और हमारी मिट्टी को पोरस बनाते हैं। जो मिट्टी सॉइल रहती है उसको बहुत लूज़ करते हैं। ये देखिए, अब इसमें सारा मैंने
कोकोपीट ढक कर रख दिया है। थोड़ी सी सॉइल भी डालूंगी क्योंकि हम सॉइल डालें तो उसमें अर्थवर्म जो लाल मिट्टी रहती है, लाल रेड सॉइल रहती है, उसमें भी अर्थवर्म काफ़ी होते हैं। बारिश के दिनों में तो ज़्यादा बनते हैं अर्थवर्म, हमें वही लेकर उसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। मैंने जो कट डाला था उसमें गुड़ मिलाया है क्योंकि अर्थवर्म को मीठा बहुत पसंद रहता है। उस जो गुड़ रह जागरी रहती है वो माइक्रोब्स को डबल कर देती है। मार्केट में ख़रीदने के बजाय वर्मी कंपोस्ट हमें घर में ही अच्छा बन जाता है। हमारे ही गार्डन के जो लीव्स रहते हैं, हमारे ही किचन के वेस्ट जो रहते हैं, उसी से जो हम कड घर में लाते हैं उसको दो दिन रख कर उसको खट्टा कर उसमें डालना चाहिए। माइक्रोब ज़्यादा आते हैं और हमें प्लांट को स्प्रे भी करना चाहिए। जो आंकू मुड़ता जो कहते हैं, लीफ मुड़ जाते हैं, उसको हम दही और हींग और शैम्पू लेकर हम इसे एक भाग हींग और एक भाग शैम्पू, एक भाग कर्ड लेकर हमें उसे मिलाकर पानी डालकर रखना चाहिए। फिर दो दिन के बाद उसको ज़्यादा पानी में मिलाकर स्प्रे करने से मिलीबग और जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो मर जाते हैं। कंपोस्ट का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बताइए। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ये न्यू इन्फॉर्मेशन है। आप लोग भी ऐसे ही कंपोस्ट बनाकर अपने प्लांट्स को दीजिए। ये देखिए, ये ब्लैक गोल्ड की तरह बन गया है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग ही मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अजान गुलमोहर गार्डनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन।